प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने शुक्रवार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो नोटिफिकेशन निकाले जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्षों से लोक सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सुक्खू सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो ऐसी अधिसूचना निकाले जिसमें 58 साल तक की नौकरी की सुरक्षा दी जाए। हमारी जो मांग है, आपने देखा होगा कि हर बार जब विधानसभा होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में कभी धर्मशाला में आता है। आपको पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी कितनी, 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी दी जाती है और हिमाचल से आते हैं। कुछ एक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आते हैं और हर बार सरकार हमें आश्वासन ये दे देती है कि हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। हम सरकार को ये नहीं बोलते कि आज ही हमें रेगुलर कर दें। हम सरकार से ये तीन हमारी जो प्रमुख मांगें हैं वो हैं, एक हमें जॉब सिक्योरिटी दे दे और ऊपर से जो ठेकेदार या कंपनी उनको बाहर करके हमें विभाग और बोर्ड निगमों से सैलरी जो है विभागों से डायरेक्ट दी जाए। और जो हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभागों से निकाल दिए गए हैं, जैसे कि आईपीएस से या कोविड विभाग से या बाकी के भी और भी विभाग हैं उनसे निकाल दिए गए हैं। जब आपको पता कि कोविड का समय था तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसने दिन रात एक कर सर्विसें दी हैं। सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये जो आउटसोर्स एक कर्मचारी है ये हमेशा से ही एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को और पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम लोग एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे थे लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हिमाचल के इतने सारे लोग जो कि आउटसोर्स में है सरकार जो है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कुछ लोगों को 20-20 साले हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 55 साले से भी ऊपर हो गई और अब उनका क्या होगा, यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी बनाए और अगर स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकती, अगर हमें सरकार रेगुलर नहीं कर सकती तो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन सरकार जो है निकाले कि 58 साल तक जो है हमें नहीं निकाला जाए ताकि जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे।